नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी के पर्व पर 10 लाइनें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, जो कि बच्चों को कई बार स्कूल ऐसे भी मिलता है। और आप अपने बच्चों को हर एक त्यौहार, हर एक तीज पर्व, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए भी ये एक्टिविटी आप उनसे घर पर करवा सकते हैं और उनको इन त्यौहारों के बारे में इस तरीके से उनकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जन्माष्टमी पर 10 लाइन का अगर आपको स्कूल से ऐसे मिला है या अपने बच्चे को एक्टिविटी आप करवा रही हैं, तो आप इसको आराम से करवा सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी व्रत, तीज, त्यौहार के बारे में जानकारी मिलती है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को हम गोकुलाष्टमी कहते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के माने तो भाद्रपद महीना, जिसको कि हम भादवा महीना भी कहते हैं, के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था इन्होंने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव और माता देवकी की 8वीं संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में माता यशोदा ने किया। इस दिन भगवान कृष्ण के सभी मंदिरों को फूलों और मालाओं से सजाया दिया जाता है और इस दिन सभी मंदिर अपने आप में अलौकिक रूप में नजर आते हैं। इस दिन हिंदू धर्म की महिलाएं, पुरुष और यहाँ तक कि बच्चे और बूढ़े भी उपवास रखते हैं। ये उपवास निर्जला रखा जाता है, जिसमें ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है और रात को 12 बजे इस व्रत का पारण किया जाता है। दूध से बने दही, माखन आदि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे, इसीलिए बड़े हर्षोल्लास से साथ भारत में दही हांडी भी मनाया जाता है। इस दिन लोग भक्ति गीत गाते हैं, पूजा करते हैं और एक दूसरे को प्रसाद बांटकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। दुनिया में फैली बुराइयों और अधर्मी लोगों से बचाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। विशेष स्थानों पर मुख्य रूप से रासलीला नृत्य का मनमोहक आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मथुरा व वृंदावन में बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लिख रहे हैं एक छोटा सा ऐसे स्कूल में मिला है बच्चों को एक्टिविटी के रूप में, तो ये लाइनें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके से अगर आप और किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहते हैं जो आपको स्कूल से मिला हो या अपने बच्चों को एक्टिविटी के रूप में देना चाहते हैं, जानकारी के लिए चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हम आपके लिए और भी जानकारी लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। पर इस तरीके से अगर आप भारत के जितने भी व्रत, तीज, पर्व, त्यौहार हैं उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।